नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां रानिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट मिलने पर पहली बार रानिया पहुंचे भाजपा प्रत्याशी शीशपाल कंबोज का नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी शीशपाल कंबोज ने कहा कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो रानिया को उपखंड बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि रानिया को सब डिवीजन बनाने की मांग मुख्यमंत्री ने लगभग सिरे चढ़ा दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आचार संहिता लग जाने के कारण ये मामला बीच में अटक गया। जनता का समर्थन तो रानिया को सब डिवीजन बनाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। ये बातें भाजपा जिलाध्यक्ष व रानिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शीशपाल ने पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों की आयोजित मीटिंग में उपस्थित जनसमूह को कही। पार्टी पदाधिकारी और समर्थकों ने फूलमालाओं से शीशपाल कंबोज का जोरदार स्वागत किया और विधानसभा चुनाव में तन मन धन से सहयोग देने का आश्वासन दिया। सम्मान से अभिभूत हो गए शीशपाल कंबोज और उन्होंने कहा कि आपके प्यार और सम्मान को समय आने पर ब्याज सहित लौटाने का काम करूंगा। इस मौके पर यतेंद्र सिंह एडवोकेट, अमीर चंद मेहता, सतीश जग्गा, विजय बदवा, बलदेव मांगियाना, बलवान जांगड़ा सहित हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पहली प्रतिक्रिया क्या रही, क्या रहेगी? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने के हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही पुराने सिंपल से घर से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता को आज पार्टी ने कमल लेकर यहाँ आपके बीच में भेजा है। मैं पार्टी का, मैं प्रदेश की सारी पूरी टीम का, राष्ट्रीय टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उस सारी टीम का, और धन्यवाद करता हूँ यहाँ की जनता का, यहाँ के वोटर्स का, जिनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंची और ये कमल जो है मेरे को उन्होंने देने का। 2019 में भी आप है जो आपकी सुहावनाएं थी, आपको टिकट नहीं मिली, फिर भी आप बागी नहीं, बीजेपी के साथ चले। ये बात ठीक है, 2019 में भी मैं यहाँ से दावा कर रहा था टिकट का, लेकिन कई बार पार्टी की मजबूरियाँ होती हैं। हम सब पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जिसको भी आदेश दे, जिसको भी कमल देकर भेजे, हम सब पूरी निष्ठा के साथ उसका साथ भी देते हैं, उसको जिताने का काम। शीशपाल जी, आपके पार्टी के एक और सिपाही हैं जो अलग से मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, जिनके लिए इस्तीफा दे दिया है। यहाँ आके मेरे को पता लग गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शायद ये कहा है कि मैं आजाद लड़ूंगा यहाँ से। हर आदमी का अपना अधिकार है, हर आदमी आजाद है। पार्टी ने मंत्री पद या लोकसभा चुनाव हिसार से लड़ा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, भरोसा जताया, फिर इस समय पार्टी छोड़ कर जाना आपका साथ होना चाहिए था, क्या कुछ आदमी ये बात तो वो बताएंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया, कहाँ कमी पार्टी ने छोड़ी, कहाँ उनको लगा कि मैं यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ पार्टी छोड़। कैसे, थोड़ा टिकट की कहानी बताएं, कैसे आपको बुलाया, अप्रोच कर रहे थे? मैं आपको बता दूं कि एक महीना पहले मेरे को यहाँ जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, और मैं जब भी हमारा संगठन का चुनावी दौर होता था तो मैं पहले कई बार जिला अध्यक्ष की दौड़ में होता था। पिछली बार जब बहन निकाशा जी को जिला अध्यक्ष